हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीवन कौशल के पार्ट सेकंड के बारे में। तो देखिए, जीवन कौशल का पार्ट फर्स्ट मैं इससे पहले के वीडियो में आपका बता चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जीवन कौशल क्या होते हैं, जीवन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने तीन प्रकार के जीवन कौशल बताए थे आपका। पहला जो था वो थे सामाजिक कौशल, दूसरे चिंतन कौशल, और तीसरा था सामान्य कौशल। तो सामाजिक कौशल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जाकर के उसे देख लीजिए। हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे फ्यूचर में जो भी यूपी टेट हो गया या फिर आपका सुपर टेट हो गया, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चिंतन कौशल क्या होते हैं। देखो, चिंतन कौशल में आपकी कौन कौन से कौशल आ जाते हैं। तो पहला कौशल जो आपका आता है वो है आलोचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन कौशल। तो देखो, साफ साफ आलोचनात्मक वर्ड आप पकड़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की आलोचना करना। अब देखो, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हुआ, कभी कभी जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हम उसकी लाभ और हानियों के बारे में सोच लेते हैं कि उस कार्य से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, सारी चीजें उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब हम अपने भविष्य में वो चीज हमें लाभ देने वाली है या हमें किस प्रकार से कोई हानि पहुंचाएगी, तो उन सब चीजों का जो आकलन करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, आकलन करने की क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। अच्छा, आलोचनात्मक चिंतन क्यों जरूरी है? देखो, कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके निगेटिव एस्पेक्ट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो काम होता है उसके ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ उसमें निगेटिव एस्पेक्ट होते ही है। तो निगेटिव एस्पेक्ट को जानना, ठीक है, उसके लाभों के बारे में जानना, ठीक है, जिससे कि समुचित निर्णय लिया जा सके, मतलब आपको वो काम करना है या नहीं करना है उसके बारे में निर्णय लिया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब सृजनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है दूसरों से हटकर सोचना। ठीक है, दूसरों से हटकर सोचना, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सृजनात्मक चिंतन कर रहे हो तो उस सृजनात्मक चिंतन के द्वारा समाज में अभी तक जो भी चीज का निर्माण नहीं हुआ है, आप उन चीजों का निर्माण आसानी से कर सकते हो। तो ये किस में आ जाएगा, आपका सृजनात्मक चिंतन में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो इसमें कौशल आ जाता है वो है आपका निर्णय लेना। तो देखो, निर्णय लेना भी क्या है, एक आपका जीवन कौशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी आपके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, और कभी कभी आप इतनी दुविधा में पड़ जाते हो, तो आपको ये पता करना होता है कि आप किस ओर जाओगे। मतलब आपके पास दो रास्ते हैं, तो उस रास्ते में से कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो उस चीज का निर्णय लेना, ठीक है, ये भी क्या है, एक कौशल होता है। देखो, लाइफ में आपको कई बार कई ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो निर्णय लेना भी स्थितियों का आकलन करके कि वो ये निर्णय जो मैं ले रहा हूं वो भविष्य में मुझे क्या फल देगा, क्या वास्तव में मैं निर्णय जो ले रहा हूं वो मेरे लिए आगे सही साबित होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्या होता है, कौशल होता है, ठीक है। तो अगला देखो, अगला है समस्या समाधान कौशल। देखो, समस्या समाधान कौशल क्या होता है, समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना। तो जब भी कभी आप समस्या का समाधान करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले आप ये पता लगाते हो कि भाई वो समस्या जो आपके सामने उत्पन्न हुई है वो क्यों उत्पन्न हुई है, उसके पीछे कारण क्या था। तो आप क्या करते हो, उसकी स्थिति का पता लगाते हो कि आप उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो। तो उसकी स्थिति का पता लगाओगे, उसकी समस्या के बारे में जानोगे, तभी तो उसका समाधान कर पाओगे। तो ये भी क्या होता है, एक कौशल होता है, ठीक है, समस्या का समाधान करना, ठीक है। अब देखो, अगला जो कौशल यहाँ पे आता है वो है आपका सामान्य कौशल। सामान्य कौशल में क्या आता है, जैसे पहला आप देखोगे तनाव से जूझना या सामना करना। तो कभी कभी देखो भाई, लाइफ में आपने बाल विकास पढ़ा होगा, तो आप
जब किसी भी गोल को अचीव करते हो, मतलब किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ते हो, तो आपके सामने ना कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उन बाधाओं को अगर आप दूर कर ले जाते हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। अगर आप वो बाधाओं को दूर नहीं कर पाते तो वहां पर आप क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो कौशल है आपका वो तनाव से जूझना या उसका सामना करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तनाव होता क्या है, तनाव क्या होता है, किसी अप्रिय स्थिति के बारे में शरीर की जो अनुक्रिया होती है वो तनाव कहलाती है। मतलब आपके सामने कोई भी समस्या आ गई, भाई कोई भी ऐसी स्थिति आ गई जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, तो आपकी जो शरीर की प्रतिक्रिया होगी वो आपके तनाव कहलाएगी। देखो, तनाव में जब आप होते हो ना तो आपका शरीर ये बता देता है कि आप तनाव में हो या नहीं हो, ठीक है। तो शरीर की जो अप्रिय स्थिति होती है वही तनाव कहलाती है, ठीक है। और तनाव जो है कैसे भी हो सकता है, आपका शारीरिक तनाव हो सकता है, भावनात्मक तनाव हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कोई कारक हो सकता है, पर कुछ भी कारक हो सकते हैं। आपके शरीर सही नहीं है तो भी आपको तनाव हो सकता है, आपको एक भावना को कोई आहत पहुंची है तो भी उसको भावनात्मक तनाव कह सकते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है आपके तनाव का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जैसे आप समय मान लो कोई बच्चा है तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भी क्या है, एक तरीके से तनाव उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो परीक्षा का दबाव, ऐसे आपके ऊपर एग्जाम आ जाते तो भी आप एकदम तनाव में आ जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हीं तनावों से जूझना, उनका सामना करना, ये भी क्या होता है, कौशल होता है, ठीक है। अगर हम अगला बात करें तो अगला कौन सा है, भावनाओं से जूझना। अब देखो, एक मिनट इसको मिटाने दीजिए। देखो, भावनाओं से जूझने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, देखो भाई, जिसको हम कहते हैं संवेदात्मक विकास, भावनाओं से जूझना। देखो, आपकी जो इमोशंस होती हैं, आप अपने इमोशंस पे अगर नियंत्रण कर लेते हो, अपने संवेगों पर नियंत्रण कर ले जाते हो, ये भी क्या है, एक कौशल है भाई। अपने संवेगों पर आप नियंत्रण कर रहे हो, ये भी क्या है, एक कौशल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आप सही समय पर सही संवेगों का प्रदर्शन कर रहे हो, तो कहने का मतलब यह है कि आपका भावनात्मक विकास अच्छी तरीके से हुआ है, सही तरीके से हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जो है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में प्रसन्नता, खुशी, प्यार, उदासी, क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी भावनाओं से गुजरते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कभी कभी होता क्या है, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध में आप क्या कर देते हो, उल्टे सीधे काम कर देते हो। तो भाई, क्रोध आ गया तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए। जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, तब तक कहने का मतलब यह है कि आप भावनाओं से नहीं जूझ पा रहे हो। तो भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहे हो, ये भी क्या है, आपका एक स्किल हो गई, ये भी क्या हो गया, कौशल हो गया, ठीक है। तो ये था आपका जीवन कौशल का पार्ट, जो चैप्टर था जीवन कौशल वाला, ये आपका समाप्त हो गया। तो अगला जो चैप्टर है वो है अभिप्रेरणा, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।